गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्वागत है, आपकी फिल्म आ रही है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे, क्या किरदार है आपका? नहीं, इसमें किरदार तो मेरा ये है कि इसमें पहली बार मैं एज अ प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश हो रहा हूँ, और नासिर जमाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 25 साल से हमारी दोस्ती रही है। मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, ये भोजपुरी में काफ़ी इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर थे, तो इस बार आइडिया ये था कि हैदराबादी भोजपुरी मिक्स कर कर एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से एक पिक्चर पेश करें, और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, कॉमेडी है, एक्शन है, और गाने भी बहुत बढ़िया हैं। और यूनिक बात यह है कि कॉमेडी बहुत है इसमें, क्योंकि हमारे साउथ के सुपरस्टार है सलीम फेकू, मस्त अली, बहुत अच्छे, बहुत सुपरस्टार है वो यहाँ के, और यहाँ के दिनेश जी हैं जो बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो ये कॉम्बिनेशन पहली बार भोजपुरी ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा। हैदराबाद में भोजपुरी फिल्मों की चर्चा होती है? बहुत होती है भाई, हमारे हैदराबाद में करीब 15 लाख के ऊपर भोजपुरी लोग, बिहारी लोग रहते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काफ़ी उनका क्रेज़ है। इनफैक्ट हम शूटिंग करते टाइम पे करीब 2 लॉरी भर के लोग आ गए थे भैया जी से मिलने, शूटिंग रोकना पड़ा उस वक्त हमको, और दिनेश जी का काफ़ी क्रेज़ है, वैसे काफ़ी क्रेज़ है, और पहचान भी है, साउथ में भी काफ़ी पहचान है, क्योंकि जब ये बिग बॉस में आए थे तभी से उनकी पहचान बन गई थी, और इंसान तो वैसे बहुत अच्छे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। कितने फिल्मों का निर्माण किया? साउथ में मैंने करीब 22-23 पिक्चर में एज अ मेन विलन काम किया था, बड़े बड़े बैनर्स में किया है, मैंने रामगोपाल वर्मा के साथ किया है काम, मैंने सुरेश प्रोडक्शन के साथ में भी काम किया है, रामू जी के साथ में काम किया है मैंने, एस पी कृष्णा रेड्डी के काफ़ी फिल्म्स किए हैं मैंने, तो इस बार पहली बार कैरेक्टर किया हूँ, छोटा सा है इसमें, ज़्यादा नहीं है। भोजपुरी और साउथ की फिल्मों के अंतर में अंतर क्या हो जाता है फिल्म बनाने में? अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो चुकी है कंपेयर टू हैदराबाद इंडस्ट्री, जो मैं जब हैदराबाद कह रहा हूँ तो ये लोकल हैदराबाद लैंग्वेज, ऐसा भोजपुरी डायलेक्ट है कि हैदराबादी डायलेक्ट है, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हैदराबाद इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, लेकिन हैदराबाद इंडस्ट्री उतना ग्रो नहीं हुई जितना भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो हुई है, तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद इंडस्ट्री को भी भोजपुरी लेवल पर लाए, और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो रीजनली दोनों अच्छी चलनी चाहिए। नासिर जमाल आपके मित्र हैं और फिल्म में पार्टनर भी हैं जी, कैसा रहा उनके साथ काम करके? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त है, आप सोचिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? लड़ाई झगड़ा भाई, अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो फिर दोस्ती में मजा ही नहीं है भाई, पति पत्नी में झगड़ा होता है फिर एक साथ जिंदगी गुजारती है और हंसते खेलते चलते, तो वो तो आप वो नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। पति है कि पत्नी है? वो बॉस है भाई, वो बॉस है, उनसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीखना है अभी उनसे, और बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत मैच्योर इंसान है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आपकी फिल्म में हीरो मेन लीड में है जी, कैसा रहा उनके साथ काम करके, आपके कुछ यादें बताएंगे? बहुत अच्छा रहा, जेंटलमैन है, आपको एक शॉट उसमें बोलता हूँ कि जेंटलमैन है, बहुत अच्छे इंसान है, पर्सनल लेवल पे एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत अच्छा गुजरता था उनके साथ में सेट पे, बातचीत करने में मज़ा आता है उनके साथ में, बहुत नॉलेज है उनको। फिल्म कब तक रिलीज होगी? फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं June 14th को रिलीज़ करने का, और देखते हैं क्योंकि अभी ईद को सलमान खान की पिक्चर आ रही है, तो उसके बाद ही करेंगे, 1 वीक बाद करेंगे, प्लान ये कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जैसा मुझे जानकारी इस हफ्ते में आ रही है, इस हफ्ते में ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं हम लोग, गाना चाहेंगे? दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए आप, इस बार एक नया फ्लेवर मिलेगा और फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, आप लोग को पिक्चर जरूर पसंद आएगी, प्लीज देखिए उसको, एंजॉय कीजिए और फिल्म भी देखिए आप जरूर। फिल्म में अमरपाली जी जो मुख्य भूमिका में नजर आ रही है, कितना आप पहले जानते थे या कितना फिल्म के बारे में? नहीं, मैं इनसे मिला था जिगरवाले के सेट पे, और अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत गुड लुकिंग है, और ये दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब है, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छे से चले। जय गुरु कॉन्सेप्ट क्या है, या किसी बॉलीवुड फिल्म का रीमेक है? नहीं, किसी फिल्म का रीमेक नहीं है, ये आउट एंड आउट कॉमेडी है और एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, कोई बैगेज लेके मत जाइए, बस जाइए एंजॉय करिए और थिएटर से निकलिए। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म आई थी, उससे तो कहीं कुछ टाइटल? नहीं 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 नहीं, ये देखिए अगर कहीं आपको ये लग रहा है कहीं किसी चीज़ से मिलती है, तो वो तो भाई कहीं भी हर फिल्म किसी ना किसी फिल्म से मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
ये ओरिजिनल हम लोग ने बैठा उसके ऊपर वर्क किया, मेरे डायरेक्टर सुब्बाराव साहब और उनके राइटर दोनों बैठे और इसको कंसेप्चुलाइज करे और इसको बनाए हैं बस। सुब्बाराव जी जो साउथ में अच्छे डायरेक्टर की गिनती आते हैं, उनके साथ भोजपुरी अब किए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छे टेक्नीशियन है और सीनियर टेक्नीशियन है और नासिर जमाल के साथ में उन्होंने एक दो फिल्में हिट भी दी है, जिगर वाला जैसा रहा है, बहुत बड़ी हिट रही है, तो डायरेक्टर वो बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियन भी अच्छे हैं, अभी आगे देखते हैं ऑडियंस इसे पसंद करती है नहीं करती है, वो तो ऑडियंस के हाथ में है। आपको क्या उम्मीद लगती है इस फिल्म से? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद तो बहुत है कि पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं नहीं समझता हूँ इस पिक्चर के बाद ऐसा कुछ रहेगा, ऑडियंस पसंद करेगी और रिपीट ऑडियंस आएगी। 14 जून को बिहार में लग रही है, कुछ प्रमोशन का प्लान किया है? हाँ, बहुत बहुत कुछ प्लान किया है। बिहार आएंगे हम लोग और काफ़ी प्रमोशन पे वर्क करेंगे, पब्लिसिटी काफ़ी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को खींच लाए थिएटर पर फिर से और पिक्चर चल जाए, तो बस आप लोगों की दुआ रही, आशीर्वाद रहा। तो फिर जय वीरू के बाद क्या प्लानिंग है अभी? जय वीरू के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी वर्क चल रहा है अभी और ये जैसे रिलीज होती है उसके बाद इमीडिएटली दूसरा अनाउंस करेंगे हम लोग। फिल्म देखने के लिए दर्शकों से रिक्वेस्ट करें कुछ? ज़रूर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत पसंद आएगी आप लोग को, एक नया फ्लेवर मिलेगा। हैदराबाद के सुपरस्टार सलीम फेगू मस्तली भी है इसमें, साउथ की आर्टिस्ट, हैदराबाद की आर्टिस्ट है, भोजपुरी की आर्टिस्ट है और ये कॉम्बिनेशन आपको पहली बार मिलेगा, नया फ्लेवर मिलेगा, नई चीज़ मिलेगी और आप ज़रूर हंसते हुए घर जाएंगे, ये गारंटी है।